को बोतल लाएगी सर, जल्दी कस को, क्योंकि लड़कियों को पता है दूसरे से मांगेगी पानी तो देगी नहीं। लड़का 2 लीटर वाला एक बोलाएगा, हमें 16 को पिएगा। इसे कहते हैं कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन। देख ताली बजा रहा है सर। बकलोल कहेगा इसमें कौन सा बहादुरी किया। बाबू एक बेंच खाली कर दीजिए, आप लोग पीछे चले जाइए, पीछे जगह होगा, उधर वाले छोटका लोग, हाँ ये सबके लिए खाली करके आप बाबू बबनी लोग टाइम से आया कीजिए। वो हमको पता है कि बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। जहाँ लिखा है ना लड़की का सीट वहां तक है, रक्षाबंधन के बाद वहां तक हो जाएगा। इस बार तो हम लोग रक्षाबंधन बड़ी अच्छा से मनाते हैं। इस बार गवर्नमेंट का नोटिस पहले से आके रखा हुआ है, आपको कोई फंक्शन वगैरह को ऑर्गेनाइज नहीं। अभी देखिए हर फंक्शन पर रोक लगा दिया। सावन में तो बोलबम जाता है, सब पे रोक लगा। पौधा ये हो गया पत्ती, पत्ती को हर हाल में ऊपर रहना है। बताइए क्यों? क्योंकि उसे भोजन बनाने की जरूरत है, और भोजन बनाने के लिए उसे सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। जब तक उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, उसे कभी भी एनर्जी नहीं बन पाएगी। जैसे आप लाख थके रहे, कुछ मत खाइए, बहुत थक गए ना, 2 गिलास पानी पीजिए। देखिए टंटना देखते हैं, अभी ना ये खरीबे मत कीजिए, खाली पानी पीजिए, तब ऐसा नहीं होगा। लेकिन पानी भी क्या है, जरूरी है। पेड़ पौधों को भी पानी तो नीचे से मिल जाता है, और धूप की भी क्या है, जरूरत रहती है। तो पत्तियां कहाँ रहती हैं, ऊपर। अब बात आ जाती है इसमें फल लगने की। ए, बाल घर से बांध के आया कर लो, बकलोल कहेंगे यहाँ कोनो बाल उल नहीं बना कर लो, बीच क्लास में ही देखो 10 रुपया का आता है, कपड़ा टाइप का रहता है, मास्क टाइप का, खरीद के बांध लिया करो लो। समझे में नहीं आता ये सब, खाली डिस्टर्ब करके रख देती है। आधा लड़का का ध्यान उधर चल जाएगा, और सबको पता रहता है कमिंग इन करेंगे तो सब ध्यान से देखेगा सर। सबको समझ में नहीं आता, जो रास्ता पे चल रही है उसका हम ट्रैफिक पुलिस रहे हैं। कोई दिक्कत क्या हुआ जी? तो गाना सुन के आया है? पुदीना पूरा बाहर निकलता है नहीं, भोजपुरी वाला सबका लेवल ही अजीब रहता है। भोजपुरी गाना जो रहता है ना, उसमें कुछ गाने बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ गाना एकदम लेवल गिरा देता है, अजीब लेवल, मतलब कोई लेवल नहीं रहेगा मतलब। और उसको देखते भी लोग बहुत ज्यादा है, और उसका भोजपुरी का हीरोइन उरीन भी अजीब रहती है सर, कहीं से उठा ले आता है सर, मोटा मोटा नहीं है बबुआ, चलो इधर देखो। लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार में उसी का क्रेज है, पुदीना वाला गाना सुन के। चलिए यूट्यूब वो पगला गया, एक दिन हमारे सजेशन में दिया था, हम कहीं कौन जी पुदीना दे रहा है। आप बताइए लेवल अजीब है कि नहीं, हीरो हीरोइन की ठेला लेके जा रहा है। अरे आप पढ़ो लिखो, आप बता लड़की से बता, कोई ठेला लेके आएगा आपके घर, आप वैल्यू दीजिएगा, भगा दीजिए, स्टैंडर्ड सुधार के आओ। अब वही CBSE वालों का गाना सुनेगा, लंबोर्गिनी दिला दो रे, उन सब का स्टैंडर्ड अलग होता है, 4 करोड़ की गाड़ी है भाई, पुदीना पे ले ले पुदीना, कितने का अंतर है सोचिए। वो कहता है दिला दो तुम रे बुझ खलीफा, ये कहता है नून रोटी खाएंगे, स्टैंडर्ड देख रहे हो। तो आधुनिक काल और प्राचीन काल का अंतर है। बकलोलवा यही याद करो लोग, घरे बैठ के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे नहीं तो एक बार यहाँ पर लड़का क्या करता है, यहाँ पढ़ेगा, फिर एक नोट्स बनाएगा, अभी एग्जाम के टाइम सोचेगा याद करेंगे। अरे बकलोल कहेंगे वही एग्जाम आपसे निकलेगा जिसकी वैकेंसी से पहले आपकी तैयारी कम्प्लीट है, समझ गया। यहाँ से जाने के बाद अगर आपको पढ़ना पड़ रहा है ना, मतलब आप यहाँ सही से नहीं पढ़ रहे थे, आप यहीं सही से पढ़िए, घर जाके आराम कीजिएगा, दबा के सोइए एकदम, जितना मन उतना 4 घंटा 5 घंटा मोबाइल पे बिताइए, क्योंकि हमारे मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे अच्छा बोले करें। लेकिन जब पढ़ाई का टाइम आए तो अपना 100% समर्पण कीजिए, किसको, पढ़ाई। देखिए ध्यान भटका के 5 घंटा पढ़िए, उससे बेटर है कि ध्यान लगा के 1 घंटा पढ़िए, बस बात बराबर है। आलू में सोलेनिन के कारण आलू का रंग कैसा हो जाता है, हरा, लाल कहाँ बोलता है, हरा रंग का हो जाता है। आलू को छीलिएगा तो हल्का सा क्या रहता है, हरा, और उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके अंदर काले रंग का क्या बनने लगता है, रिंग, धब्बा बनने लगता है। तो आप देखेंगे फुचका वगैरह खाने जाइएगा ना, तो बिहार में छोला नहीं भरते हैं सर, क्या भर देता है सर, चोखा भर देता है, तो उसमें आलू उबाल के रखे रहता है। तो जिस आलू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला रहता है ना, वो अंदर से थोड़ा सा क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो आलू छीलेगा इसे आपका फुचका वाला, दिखेगा उसमें, देखेगा काला हो गया ना,